या नागिन 5 के बाद एकता कपूर कोई नया सुपरनेचुरल शो लेकर आने वाली हैं। आखिर कैसा होगा एकता कपूर का ये नया सुपरनेचुरल शो? वेल, एकता कपूर की नागिन सीरीज को लेकर ऑडियंस में कितना तगड़ा बज है ये बात सभी अच्छे से जानते हैं। नागिन 5 को भी ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। हालांकि लगातार टीआरपी ना मिल पाने की वजह से पिछले कई हफ्तों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि शायद जो आने वाले कुछ हफ्तों में ऑफ एयर कर दिया जाए। लेकिन इसी के साथ इन दिनों एकता कपूर के नए शो को लेकर भी खूब खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन कैसा होगा एकता कपूर का ये नया सुपरनेचुरल शो और क्या है उससे जुड़ी दो बड़ी अपडेट्स बताते हैं आपको भी। पहली अपडेट, नागिन नहीं इस बार वैम्पायर्स के इर्द गिर्द होगी कहानी। जी हाँ, एकता के इस नए शो से जुड़ी जो पहली अपडेट सामने आई है वो ये है कि ये नया शो एकता के ही प्रोडक्शन में बने शो प्यार की ये एक कहानी शो जैसा होगा, यानी कि शो की कहानी वैम्पायर्स पर बेस्ड होगी। ऐसे में क्या एकता का ये नया शो प्यार की ये एक कहानी का सीक्वल तो नहीं होने वाला, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि प्यार की ये कहानी शो साल 2010 में ऑन एयर किया गया था जो कि काफी पॉपुलर भी हुआ था। शो में मेन लीड में एक्टर विवेन डिसेना और स्कृति कंडपाल नजर आए थे। आपको बता दें कि ऐसी खबरें हैं कि एकता का ये नया शो कलर्स चैनल पर ही टेलीकास्ट किया जाएगा और ऐसे में कहा जा रहा है कि शायद ये शो एकता के ही नागिन 5 को रिप्लेस करता नजर आ सकता है। दूसरी अपडेट, टीवी की दो फेमस एक्ट्रेस आ सकती हैं नजर। जी, ऐसी खबरें हैं कि इस शो में मेन लीड के लिए एक्टर संजीदा शेख और रिद्धिमा पंडित से बातचीत की जा रही है। हालांकि किसी भी एक्ट्रेस के नाम को अभी फाइनल नहीं किया गया। आपको बता दें कि संजीदा और रिद्धिमा दोनों की ही फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है और एकता कपूर की ये दोनों ही खास दोस्त भी हैं। अगर वाकई इन दोनों में से किसी एक को फाइनल किया जाता है तो फैंस भी काफी खुश होंगे, क्योंकि दोनों ही लंबे वक्त से किसी टीवी शो में नजर नहीं आई। जहां संजीदा आखिरी बार कुमकुम भाग्य में गेस्ट अपीयरेंस करती नजर आई थी तो वहीं रिद्धिमा को हैवान शो में देखा गया था। वेल, अभी एकता के इस शो को लेकर ऑफिशियली तौर पर कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन खबरों का बाजार यूं ही नहीं गर्माता। हालांकि देखना तो ये है कि क्या वाकई ये शो नागिन 5 को ही रिप्लेस करता है और इस शो में मेल लीड में कौन से स्टार्स नजर आएंगे।